एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज वीडियो में हम बात करने वाले BSc नर्सिंग एडमिशन 2021 के बारे में। अप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, कंप्लीट डिटेल से हम जानने वाले हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ हम बात करेंगे वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली, इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, तनु फुगाट वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो नर्सिंग में जो है अभी लगातार जो है स्कोप बढ़ते ही चले जा रहे हैं एंड इन फ्यूचर जो है स्टाफ की जो है काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहने वाली है, बट यहाँ पर जो है कम्प्लीटली फुलफिल नहीं होगी बिकॉज यहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी एंड उतना ज़्यादा स्टाफ अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर नर्सिंग अगर तुम अभी से करना स्टार्ट करोगे, लाइक अभी अगर करोगे तो नेक्स्ट जो है 5-6 ईयर्स में मैक्सिमम ग्रोथ यहाँ पर होने वाली है। तो अगर तुम करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बोलूँगी 100% तुम्हें कर लेनी चाहिए बिकॉज यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। एंड अगर इवन तुम प्राइवेट से भी करोगे तो अभी अनलिमिटेड स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं इंडिया में जिनको जो है करने के बाद अगर तुम गवर्नमेंट से भी करते हो तो अभी जॉब की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, बट ये कोर्स ऐसा है अगर तुम प्राइवेट से भी करोगे तो 100% तुम्हें जॉब जो है मिलेगी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मेहनत करने पे। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल भी तुम्हें हेजिटेट नहीं होना है, कन्फ्यूज नहीं होना है अगर तुम थोड़े बहुत भी कन्फ्यूजन में। तो चलो अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पर जो है अप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी थी चितकरा यूनिवर्सिटी, अप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं पंजाब के। यहाँ पर हम वीडियो में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी तुम देख सकते हो, यूनिवर्सिटी कैंपस काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। इसमें काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, नर्सिंग के भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज, पैरामेडिकल के भी काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं मेडिकल के। तो यहाँ पर जो है लाइक काफ़ी ज़्यादा स्कोप है एंड यहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस वन ऑफ द बेस्ट लेवल की रहती है बिकॉज यहाँ पर जो है मैक्सिमम एक्सपोजर में रखा जाता है स्टूडेंट्स को। तो ये दो जगह सिचुएटेड है, पंजाब में भी, हिमाचल प्रदेश में भी इनकी ब्रांच है। तो यहाँ पर हम पंजाब के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर जो है अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो कंप्लीट इसके बारे में बात करने वाले। तो काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो चलो बात कर ले BSc नर्सिंग के बारे में। तो BSc नर्सिंग के लिए जो है इन्होंने अप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट कर दिए हैं, उसी के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं, कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। तो पैरामेडिकल के भी अप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, बट हम जो है मेनली यहाँ पर BSc नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। अगर तुम्हें पोस्ट बेसिक के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट बेसिक के लिए भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। वीडियो में आगे मैं बताऊँगी कि कैसे तुम रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर जो है चितकरा यूनिवर्सिटी जो है ये प्रोग्राम ऑफर करती है पंजाब में भी, अलोंग विद दैट हिमाचल प्रदेश में भी, मैंने जैसे कि बताया हिमाचल प्रदेश में भी सिचुएटेड है। तो ग्लोबल पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट अभी बढ़ रही है एंड यहाँ पर जो है इंडिया में जो है शॉर्टेज रह रही है फैसिलिटीज़ की एंड क्लिनिकल प्रैक्टिशनर जो है उनकी यहाँ पर शॉर्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है। तो वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी है उनमें चितकरा यहाँ पर, जो कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रही है फ्यूचर के लिए, ताकि जो है नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया को जितने भी रिक्वायरमेंट रहे वो लोग जो है फुलफिल कर सके, ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूशन ये कर रही है। तो अभी हम बात करने वाले कैसे क्या यहाँ पर नर्सिंग प्रोग्राम रहते हैं। तो यहाँ पर जो है नर्सिंग के, BSc नर्सिंग के बारे में बात करें तो क्या क्या यहाँ पर जो है फैसिलिटी वगैरह ये लोग अवेलेबल कराते हैं। तो नर्सिंग के लिए लाइक लेबोरेटरी अवेलेबल कराते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल स्टाइल के बेड्स रहते हैं, CPR की डमीज वगैरह रहती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स रहते हैं, इक्विपमेंट रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनिंग के लिए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जो है हॉस्पिटल में पोस्टिंग कराते हैं, इनके पास अच्छे अच्छे लेवल के लाइक जो है तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे पहले ही डमीज वगैरह पे एंड यहाँ पर देन यहाँ पर तुम्हें हॉस्पिटल वगैरह में पोस्टिंग देते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेवल की तुम्हारी जो है लाइक क्लिनिकल रह जाएगी अगर तुम यहाँ पर जो है लाइक एडमिशन लोगे। तो हेल्थ केयर नर्सिंग लेबोरेटरी भी यहाँ पर अवेलेबल है, जब तुम जो है एडमिशन लेने के बाद जो है लाइक कम्युनिटी में वर्क करोगे तो उसके लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड कर रखी है। उसके साथ OBG वगैरह के लिए प्री क्लिनिकल लेबोरेटरी, मतलब जब तुम BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के बाद क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे जाओगे, मतलब जब तुम्हारी हॉस्पिटल ड्यूटी लगेंगी तो उस टाइम पर जो है तुम्हें सभी इक्विपमेंट एंड उसके साथ साथ आइटम्स प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को जितनी भी नॉलेज के लिए ज़रूरी होंगी, ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होंगी डिजीज के अकॉर्डिंग सब कुछ ये लोग प्रोवाइड करेंगे। कंप्यूटर लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो है क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के कंपेरिजन में हम बात करें
तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस सभी स्पेशलाइजेशन में क्लिनिकल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा दे रहा है। उसके साथ साथ एडिशनल मॉड्यूल्स आर मेड अवेलेबल टू स्टूडेंट्स अवर एंड अबव द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लोग हैं ऑडियो विजुअल एड से ही यहाँ पर अच्छा समझाते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट कराते हैं। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, मेडिकल लीगल इश्यूज ऑफर्ड बाय द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द 4 ईयर प्रोग्राम। उसके साथ साथ जो है वर्कशॉप्स यहाँ पर जो है टाइमली यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइज़ करते रहते हैं। एंड यहाँ पर जो है एक सबसे अच्छी बात है प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, अगर तुम यहाँ पर जो है लाइक इनसे करते हो तो तुम्हें 100% प्लेसमेंट मिलेगा। असिस्टेंट फॉर प्लेसमेंट इन रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अब्रोड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है तुम्हें प्लेसमेंट मिलती है एंड काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो चलो अभी मैं बता दूँ कि तुम्हें कैसे अप्लाई करना है। बाकी पोस्ट बेसिक के लिए अगर तुम्हें करना है तो वो भी तुम देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में हम इतना ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करने वाले। तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, अभी हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर तुम्हें आ जाना है यूनिवर्सिटी की, एंड ऑफिशियल वेबसाइट है chitkara.education.in। तो यहाँ पर आने के बाद जो है हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर जो है अप्लाई करना होगा। तो चलो हम अप्लाई कर लेते हैं। तो तुम यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत वेबसाइट भी देख सकते हो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम यहाँ पर जो है देख लेना। बाकी हम जो है मेन पॉइंट पर आते हैं, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पर हमें क्लिक कर देना, बिकॉज हमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो है अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स हमें जो है एडमिशन के सेक्शन पे भी तुम आ सकते हो, बाकी जो है मैं तुम्हें बोलूँगी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे भी तुम आ सकते हो। तो यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद तुम्हें बिल्कुल नीचे मिल जाएगा बीएससी नर्सिंग, बेसिक बीएससी नर्सिंग। तो वहाँ पर तुम्हें क्लिक कर देना है। अगर ऐसे भी तुम्हें अवेलेबल ना हो तो तुम्हें 3 डॉट्स पे क्लिक कर देना है, अंडर ग्रेजुएट में नर्सिंग को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलो बात कर ले, तो बेसिक बीएससी नर्सिंग में हम आने के बाद हमें तुम देख सकते हो कंप्लीट जो है ऑफिशियल वेबसाइट अपनी ओपन हो चुकी है। एंड अभी जो है डेस्कटॉप मोड मैं ऑन कर लेती हूँ तुम्हारे लाइक थोड़ी बहुत अच्छा यहाँ पर दिख जाएगा उसके लिए। तो यहाँ पर जो है अभी हम आ चुके हैं, तो हमें बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना होगा। तो तुम ब्राउज़र भी डाउनलोड कर सकते हो, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी मैंने डिस्कस कर ली, तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो तुम्हें अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अभी हम जो है 2021 के एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो admission.chitkara.education.in #login की भी तुम डायरेक्ट अगर ये फिल करोगे तो भी यहाँ पर जो है डायरेक्ट लिंक पर तुम पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर जो है हिमाचल एंड पंजाब कैंपस के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर अगर तुम्हारा लाइक तुमने पहले कर रखा तो तुम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो यूज़र नेम और पासवर्ड से। एंड अगर तुमने नहीं कर रखा तो तुम्हें अपना अकाउंट जो है ये लाइक वो करना होगा, क्रिएट करना होगा। उससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के निकल चुके हैं, ओपन हो चुके हैं, एंड सिर्फ जो है इंडिया के नेशनल्स के लिए अभी है एंड फॉरेन कंट्रीज के लिए अभी ये ओपन करने वाले, बट अभी तक इन्होंने नहीं किया है। और एप्लीकेशन में जो प्रोसेस रहेगी उसमें 15 से 20 मिनट यहाँ पर लग जाएंगे, ठीक है, लाइक 15-20 मिनट से यहाँ पर लग जाएंगे कंप्लीट जो है लाइक होने में कंप्लीट प्रोसेस। अगर तुम्हें लाइक किसी भी स्पॉट पे या फिर किसी भी पॉइंट पे तुम्हें लगता है कि मुझे बैक जाना चाहिए तो तुम पीछे भी सेव करके आ सकते हो, वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या और रिक्वायरमेंट है। तो कैंडिडेट को अपना नेम यहाँ पर फिल करना पड़ेगा एंड जो है एप्लीकेशन आईडी और लॉगिन डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी टू रिमेन एक्टिव टिल द एंड ऑफ द करंट एडमिशन साइकिल, ठीक है। तो बार बार तुम्हें लॉगिन करता रहना ताकि जो है तुम यहाँ पर एक्टिव रहो। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो 1100 रखी गई है, ठीक है। तो 1100 एप्लीकेशन की फ़ीस है। तो यहाँ पर जो है तुम देख सकते हो, अगर तुम इन पे पंजाब पे एंड हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करोगे तो तुम्हें और भी इन्फॉर्मेशन जो है अवेलेबल हो जाएगी। बट हम जो है डायरेक्ट ही चलो अप्लाई कर देते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट जितनी भी डिटेल्स थी मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस कर लिया। ये है कि 55% मार्क्स यहाँ पर तुम्हारे होने चाहिए, एलिजिबिलिटी है, एंड यहाँ पर इंटरव्यू रहने वाला है तुम्हारा। और कोई इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर जो है डिस्कस नहीं कर रखी है। तो चलो अप्लाई कर ले हम यहाँ पर कंप्लीट इसके लिए। तो क्रिएट अकाउंट पे तुम्हें क्लिक कर देना है, यहाँ से जाकर जो है कंप्लीट एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें तुम्हारे अपनी पर्सनल डिटेल्स, नेम वगैरह, लास्ट नेम, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, जो है मोबाइल नंबर, ये तुम्हें फिल करना होगा। देन सेव एंड नेक्स्ट पे तुम्हें जो है ऐसे ही तुम्हें जो है लाइक फिल करते हुए सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना है, ठीक है। एंड तुम इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। देन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फिल
करने के बाद या फिर रजिस्टर होने के बाद तुम्हें लॉगिन हो जाना होगा। तो काफ़ी ईजी था जो कि मैंने तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताया था। वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे लगातार अपडेट्स इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। अनफॉरगेट वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।